समाज सेवी संस्था रूपाली महतारी गुड़ी बहुगुड़ी संस्था द्वारा आर्थिक सहयोग कर समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश कर कमजोर वर्ग के बच्चों को दिया 1 लाख का चेक, जिसकी दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने की कार्य की सराहना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कुछ स्कूली बच्चों को आगे की पढ़ाई में रुकावट आ रही थी। ऐसी स्थिति में नेक पहल करते हुए समाज सेवी संस्था रूपाली महतारी गुड़ी बहुगुड़ी संस्था के द्वारा आर्थिक सहयोग कर समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश की। वहीं रूपाली महतारी गुड़ी बहुगुड़ी संस्था के द्वारा विभिन्न तरह के सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लगातार आगे आकर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा शिक्षक दिवस के एक दिन पहले 1 लाख रुपए के स्कूली फीस की राशि का चेक दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के हाथों बच्चों को वितरित किया गया। साथ ही अच्छे व्यवहार कुशल शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा संचालित इस संस्था के सदस्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची। गौरतलब है कि समाज सेवा के कार्यों को लगातार अंजाम देती आ रही इस संस्था की महिलाओं का उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने भी सराहना की। इस संबंध में मीडिया के समक्ष संस्था के पदाधिकारी व दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मैडम लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझ जैसे विद्यार्थी का मदद किया। मेरी मंजिल है कि मैं पुलिस बनूं और उसी लक्ष्य पर जाऊं। जो रूपाली महतारी गुड़ी संस्था को दान दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था का उद्देश्य ही है कि गरीब और निर्धन बच्चों को मदद करना। आज हमारी संस्था ने 1 लाख रुपए अनुदान राशि गरीब बच्चों के लिए दिया है शिक्षा के क्षेत्र पे, और मैं उन सभी दानदाताओं का कोटि-कोटि आभार और धन्यवाद करती हूँ जो अमेरिका से विभाश्री साहू जी हैं, ऑस्ट्रेलिया से अंजू देवांगन जी हैं, ग्राम सरदा से ओम शर्मा जी हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ भिलाई से पीएल चौहान जी हैं जो वरिष्ठ पीएस चौहान जी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इन्होंने निर्धन बच्चों के लिए धनराशि सहयोग में दिया है। देखिए लिकेश्वरी को जो अनुदान दिया गया है वो काफ़ी निर्धन परिवार की बच्ची है जो यहाँ उपस्थित है। उनकी मम्मी फार्म हाउस में सब्जी रोपण लगाने का काम करती है और उनके पापा नहीं हैं। ऐसी आर्थिक स्थिति से तंग बच्ची को अगर मैं मदद करूं और वो पुलिस अधिकारी बनने है उसका सपना है, तो मेरे ख्याल से ये सही सहयोग होगा मेरी ओर से। पाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था जो है वो काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा उसको आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, इनके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। आज भी 4 बच्चों को यहाँ पे आर्थिक सहायता दी गई। निश्चित रूप से ये बच्चे कल को देश का भविष्य बनेंगे, और जो बच्चे अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग टीचर्स के साथ अच्छा ग्रुप इन्होंने बना रखा है, और इस जो इनका कार्य है संस्था का वो काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है। मैं इन लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे ही ये जरूरतमंद बच्चों की मदद करते रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।